नमस्कार, बीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिनभर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के कई हिस्सों में लगातार तेज बारिश, उधमपुर के पुराने राजमार्ग पर बिरमा बुल हुआ क्षतिग्रस्त। पहले चरण में दर्शन के लिए पैदल जाएंगे माँ वैष्णो देवी के भक्त, हेलीकॉप्टर सेवा अनुमति के बाद। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर हुई 2,36,657, अब तक 6,642 की मौत। भारत चीन के बीच आज होने वाली वार्ता पट्टी की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बसे लोगों की नजरें। अब समाचार विस्तार से। जम्मू के कई हिस्सों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है, जो कि अभी तक जारी है। उधर उधमपुर में तेज बारिश के दौरान पुराने राजमार्ग पर बिरमा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से यातायात प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को पुंछ जिले के डिंगल गांव में देर शाम बादल फटने से व्यापक नुकसान हुआ है। इस दौरान एक कार, ट्रैक्टर व 5 मोटरसाइकिलें बह गई, जबकि लगभग 70 कनाल जमीन पर लगी धान की फसल भी बह गई है। गांव में बहने वाले नाले में पानी का तेज बहाव आने से सड़क का भी कुछ हिस्सा बह गया और कई घरों में भी पानी जा घुसा। इसमें लोगों का सामान बर्बाद हो गया है। फिलहाल किसी प्रकार के जान की नुकसान की सूचना नहीं है। वैष्णो देवी यात्रा शुरू कराने के लिए श्राइन बोर्ड ने तैयारी शुरू कर ली है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को बरकरार रखते हुए यात्रा कैसे शुरू कराई जाए, इस पर लगातार मंथन हो रहा है। इसके तहत इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि पहले चरण में सिर्फ स्थानीय और पैदल यात्रियों को ही दर्शन कराने का मौका दिया जाए। केंद्र सरकार ने 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा की है। ऐसे में इस बात की संभावना अधिक है कि वैष्णो देवी यात्रा मध्य जून से शुरू की जा सकती है। हालांकि इस पर आधिकारिक फैसला श्राइन बोर्ड के चेयरमैन उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ही करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 9,887 नए मामले सामने आए हैं, 294 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,36,657 हो गई है, जिनमें से 1,15,942 सक्रिय मामले हैं। 1,14,073 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। भारत और चीनी सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में एक महीने से चल रहे कटु विवाद को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों के बीच वरिष्ठ सेना अधिकारियों की बैठक शनिवार को शुरू हो गई है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक ये बैठक चीन के मोल्डो में हो रही है। ले के 14 कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं चीन की तरफ से इस बैठक में मेजर जनरल लियो लिन शामिल हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इशारों में बड़ा खुलासा किया है। वहीं कैप्टन अब कुछ उग्र भी नजर आते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिसके रणनीतिकर प्रशांत किशोर होंगे। पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रशांत किशोर की मुलाकात को खारिज करते हुए कैप्टन ने साफ किया कि पीके उनके पारिवारिक मित्र हैं। जनता दल सेक्युलर के सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के दोबारा संसद भवन में दिखाई देने की उम्मीद है। कांग्रेस उन्हें कर्नाटक में राज्यसभा सीट पर समर्थन देने के लिए तैयार है। पार्टी ने यह कदम आगामी राज्यसभा चुनाव में भाजपा के खाते में एक अतिरिक्त सीट को जाने से रोकने के लिए किया है। बाबा बर्फानी के भक्तों की इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। उनके लिए अच्छी खबर है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा शुरू करने को लेकर निर्णय ले लिया है। इस बार वार्षिक अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से आरंभ होकर 3 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी, यानी यात्रा की अवधि केवल 14 दिन रहेगी। यही नहीं, बोर्ड ने यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की आयु सीमा भी निर्धारित कर दी है। दुनिया भर के लोग कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना से 3,98,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 68,44,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 33,48,000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना से 1,11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 19,65,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 10वीं कक्षा का परिणाम 10 दिन में घोषित होने की संभावना है। अध्यापक अपने घरों से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहे हैं। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार 80% पेपरों की चेकिंग हो चुकी है। 50,000 से अधिक विद्यार्थियों ने जम्मू संभाग के समर जोन में परीक्षाएं दी हैं। आमतौर पर 10वीं कक्षा का परिणाम मई के मध्य तक घोषित किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के कारण परिणाम घोषित होने में थोड़ी देरी हो गई।
पुलिस ने दक्षिण कश्मीर में एक नाबालिग समेत आतंकी बनने जा रहे 3 युवकों को समय रहते बचा लिया। पुलिस ने लड़कों को जिहादी संगठन के लिए तैयार करने वाले लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ओवरग्राउंड वर्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद की नर्सरी कहलाने वाले त्राल के कुछ युवक आतंकी बनने जा रहे हैं। इसकी भनक 3 दिन पहले SSP अवंतीपुरा के पास पहुंची। जम्मू कश्मीर में अब रोजाना संक्रमण से 150 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को भी 178 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनमें 5 दिन और 2.5 महीने के 2 बच्चे, 5 डॉक्टर, 15 सुरक्षा बलों के जवान और 7 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। इन्हें मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 3,360 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच एक मरीज की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में मरने वालों की संख्या 36 हो गई है। अब तक 1,086 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी हो चुकी है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं बेंच का 8 जून को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। आर्टिकल 323 के तहत जम्मू में कैट बेंच का गठन होने जा रहा है। बता दें कि प्रदेश के सर्विस मामलों को चंडीगढ़ कैट में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसका काफी विरोध हुआ था। बाद में मांग उठी कि जम्मू कश्मीर में ही कैट की बेंच होनी चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और प्रदेश में कैट की बेंच स्थापित करने का फैसला किया। आज आरएसपुरा में एक कार्यक्रम के दौरान सांस और आवाज एसोसिएशन आरएसपुरा का निर्माण किया गया। ये एसोसिएशन ब्याह शादियों में बैंड वालों की समस्याओं को उजागर करेगी और संगीत से जुड़े लोगों को, लोग जो इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से काम नहीं कर पा रहे, उनके लिए आगे आएगी। अच्छा प्रतिनिधि बन के अपने आप को एक अच्छा साबित करने की कोशिश करा, एक सच्चा इंसान साबित करने की कोशिश करा। और साढ़े एजेंडे कुछ ने कि साढ़े कुछ बेचारे कुछ म्यूजिशियन ने, गरीब कलाकार ने, असं चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ सोचा जाए और गोरमेंट अगर असं अपनी मंग रखा कि भाई जो भी साढ़े कोई गरीब ने जिंदा सिर्फ एक साधन ही एक सिर्फ साज गाना और गाना है, तो उनकी इस टाइम बहुत तुम्हें पता कि कोरोना के बहुत ही मुश्किल हालात ना गुजर रहे हैं, तो असं चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए। हर साल पंचपक्तर मंदिर से आरंभ होने वाली छड़ी यात्रा जो कि सुध महादेव तक जाती थी, इस बार कोविड-19 के चलते नहीं हो पाई। इसी कारणवश आज पंचपक्तर मंदिर में ही पूजा अर्चना की गई कि आने वाले दिनों में भगवान शिव सभी भक्तों पे अपना आशीर्वाद रखेंगे और ये कोरोना का जो प्रकोप है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आने वाले साल में हम बड़ी धूमधाम से दोबारा छड़ी यात्रा को लेकर चलेंगे। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस त्रिकुटा नगर।